यह आकाशवाणी सुनकर इंद्र शीघ्र ही उस क्षेत्र में गए और नागबिल के मार्ग से पाताल में प्रवेश करके वहां की गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात हाटकेश्वर लिंग का पूजन किया। इसके क्षण मात्र में उनका शरीर निर्मल हो गया और तेज बढ़ गया। इसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता वहां आए और अत्यंत प्रसन्न हो पाप मुक्त इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर परम पवित्र हो गए हो, अतः जाओ आओ हम सब साथ ही स्वर्गलोक को चलें। तदंतर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। इंद्र को पुनः देवताओं का राज्य प्राप्त हुआ और स्वर्ग में वृत्रासुर के मारे जाने का बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जो कोई मनुष्य एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का कीर्तन और श्रवण करता है वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, तदंतर देव गुरु वनस्पति जी ने इंद्र से कहा, देवराज पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है, उसके तीन पुत्र हैं, वह मेनाक नंदीवर्धन और रक्त श्रृंग, उनमें से तीसरे पुत्र रक्त श्रृंग को ले जाओ और उसी के द्वारा नागलोक के इस बिल को भर दो। बृहस्पति का यह वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने हिमालय के उनके पुत्र को मांगा। हिमाचल ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और पुत्र को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब रक्त श्रृंग बोला, पिताजी मेरे दोनों पंख इंद्र इन्हीं इंद्र के काट लिए हैं, इन्हीं इंद्र ने काट डाले हैं, अतः अब मुझ में यहाँ से जाने की शक्ति नहीं है, ये मुझे ले जाने का विचार छोड़कर कोई दूसरा उपाय सोचे। इंद्र बोले, रक्त श्रृंग में तुम्हें अपने हाथ पर रख कर ले चलूंगा, वहां भी तुम्हारे ऊपर हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष उत्पन्न होंगे, तुम्हारे सब और पुण्य तीर्थ एवं देव मंदिर बनेंगे, मुनियों के आश्रम बनेंगे, उस भूमि में पापी पुरुष भी तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाएंगे, इसलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चलो, यदि आनाकानी करोगे तो इस वज्र से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। इंद्र की यह बात सुनकर रक्त श्रृंग डर गया और सहसा वहां जाकर उस नाग बिल में घुस गया। इस प्रकार हिमवान कुमार रक्त श्रृंग को इस बिल पर बिठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझसे कोई वर ग्रहण करो, तथा पर्वत बोला, देवेश मेरे लिए यही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट हैं, मैं आपके प्रसाद से सुखी हूँ। इंद्र बोले, स्वप्न अवस्था में भी मेरा दर्शन व्यर्थ ना जाता, फिर साक्षात दर्शन होने पर कैसे निरर्थक होगा। रक्त श्रृंग ने कहा, देवराज यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दे कि मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के ही काम आए। इंद्र बोले, चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे, उस नगर में वेद वेदांगों के पारंगामी विद्वान नगर नागर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक रहकर तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे, तथा चेत्र कृष्णा चतुर्दशी को मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर आकर हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूंगा, इससे त्रिलोक में तुम्हारे प्रभाव का विस्तार होगा। अच्छा अब मैं स्वर्ग को जाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग में चले आए, तथा रक्त श्रृंग उस नागबली को ढककर स्थित हुआ। उसके शिखर पर मुख्य मुख्य तीर्थ और मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों के भी बहुत से आश्रम बन गए। इस समय आनंत देश के राजा चमत्कार वहा वन में दुष्ट मृगों का शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक मृगी स्थित होकर खड़ी है और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर राजा ने कान तक धनुष को खींचा और उसके मर्म स्थान पर बाण का प्रहार किया। उस बाण से घायल होकर वह मृगी व्यथा से पीड़ित हो चारों ओर देखने लगी। इतने ही में थोड़ी दूर पर धनुष धारण किए राजा को देखकर उसने कहा, राजन यह तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, जो कि छोटे बच्चे की माता मुझे दीन हरिणी का वध किया है। मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करती जैसा कि दूध पीते दीन मृग छनों के लिए मुझे दुखी हो रहा है। मुझे दुख हो रहा है, तुमने बड़ा निर्दय कर्म किया है, इसलिए तुम इसी समय कोड़ी हो जाओ। राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म है, अतः
अपने धर्म में तत्पर हुए, मुझ निर्दोष को तुझे शाप नहीं देना चाहिए। मृगी बोली, भोपाल तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार में भी क्षेत्रों के लिए है। विद्वान है कि विधान है कि जो सोया हुआ हो, मैथुन में आसक्त हो, बच्चे को दूध पिला रहा हो या स्वयं जल पीता हो, ऐसे हिंसक पशु का वध ना करें। उसका वध करने पर मनुष्य पाप से लिप्त होता है, इसलिए मैंने तुझे शाप दिया है। ऐसा कहकर व्यथा से पीड़ित हुई मृगी ने अपने प्राण को त्याग दिया और राजा चमत्कार भी कोढ़ी हो गए। अपने शरीर को कोढ़ीयुक्त देखकर दुखी हुए राजा ने सेवकों को बुलाकर कहा, अब मैं तब तक तपस्या और भगवान शिव की पूजा करूंगा जब तक कि मेरे इस कोढ़ रोग का सर्वथा नाश न हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सभी सेवकों को विदा कर दिया। संक तीर्थ की उत्पत्ति, उसमें स्नान से राजा चमत्कार के कोष्ठ रोग की निवृत्ति और राजा ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ नगर निर्माण कराकर दान देना। सूत जी कहते हैं, तदंतर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर हो भिक्षा अन्न का नियमित आहार करते हुए प्रभास आदि संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण करने लगे, परंतु उन्हें कहीं कोई ऐसा मंत्र औषधि या तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ जिससे उनके रोग का भली भांति निवारण हो जाए। इससे राजा के मन में बड़ा वैराग्य हुआ और वे अपने मन और बुद्धि को वश में करके उस पुण्य क्षेत्र में अकेले रहने लगे। वे अपने गिरे हुए सूखे पत्ते चबाते और रात में भूमि पर सोते थे। मद और अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सके। तदंतर कुछ काल के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सबको विनित भाव से प्रणाम करके कहा, विप्रवरो, मैं आनर्त देश का सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है। इस समय मेरे सारे शरीर में कोढ़ फैल गई है। क्या यह ऐसा कोई देव या मानवीय उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग शांत हो जाए? यदि है तो आप लोग मुझ पर कृपा करके बनाए। तब उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा, नपुश्रेष्ठ, यहाँ से थोड़ी दूर पर सुप्रसिद्ध शीख तीर्थ है, संक तीर्थ है, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोग ग्रस्त कोने काने अंधे मूर्ख किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाले कुरूप और विकृत मुख वाले हैं, वे भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अदिति चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र के योग में वहाँ स्नान करके उपवास करने पर उसी क्षण रोग से रहित हो जाए। राजा ने पूछा, विप्रवरो, शंख तीर्थ का ज्ञान मुझे जैसे हो और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह सब आप लोग विस्तार पूर्वक बतावें। ब्राह्मण बोले, राजन, पूर्व काल में इस पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। वे शिंडिल मुनि के पुत्र थे। उनके छोटे भाई का नाम शंक था। शंक भी अपने बड़े भाई की भांति धर्म शास्त्र के ज्ञाता थे और कंद मूल फल का आहार करते हुए सदैव तपस्या में संलग्न रहते थे। एक दिन शंक भूख से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। आत्मा महात्मा लिखित तक का आश्रम सुना था तो भी ये फल अपने ही ऐसा मानकर शंख ने बहुत से फल तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। इसी समय लिखित अपने शिष्य के साथ वहां आए और शंख को फल लिए हुए देखकर क्रोध पूर्वक बोले, तुमने मेरे दिए बिना ही ये फल कैसे ले लिए? क्या तुम यह नहीं समझते कि इस प्रकार बिना पूछे लेने से चीरूप चोरी रूप दोष से बंध जाना पड़ता है? शंख बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कहा है वह सत्य है। मैंने आपके सुने आश्रम में ये फल ले लिए हैं, अतः मेरे लिए चोरी का उचित दंड दीजिए जिससे मेरा इहलोक और परलोक दोनों सुखद हो। तब लिखित ने उसी क्षण अपने भाई शंख के दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ कट जाने पर शंख अपने आश्रम में लौट आए। वहां उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ब्राह्मण, तुम मनवांछित वर मांगो। शंख बोले, देव, मेरे दोनों हाथ पुनः पूर्वत हो जाए और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। कोई अंगहीन अंधकांग अधिकांग अथवा रोगग्रस्त यहाँ स्नान करे, वह शीघ्र ही फिर से नवीन हो जाए, नूतन निर्दोष शरीर प्राप्त कर ले। भगवान शंकर ने कहा, विप्रवे, आज से यह तीर्थ तुम्हारे नाम से विख्यात होगा।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो उस समय जो कोई न्यूनांग या अधिकांग मनुष्य भी वहाँ स्नान करेगा वह स्वर्ण के समान गोर और स्वर्गवान सुंदर हो जाएगा। उस दिन वहाँ श्राद्ध करने से पितरलोक तुम उत्तम तृप्ति को प्राप्त होंगे। विप्रवर आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है, आज तीसरे पहर चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र योग हो जाएगा। इस समय उपवास पूर्वक भली भांति स्नान करने पर तुम्हारे दोनों हाथ तत्काल पूर्वत है सुंदर रूप से युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और शंख मुनि ने कुतुप काल दिन के तीसरे पहर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पूर्वतः हो गए। नृपश्रेष्ठ इसलिए तुम भी चैत्र शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो उस तीर्थ में स्नान करो, इससे तुम सब रोगों से मुक्त हो जाओगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, इस तीर्थ के लिए जो समय और योग बताया गया है उसके प्राप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको उस तीर्थ का दर्शन कराएंगे। सूत जी कहते हैं तदंतर कुछ दिन के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष आया और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा के योग से युक्त चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई। तब वे राजा के हितेशी ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर उसी समय शंख तीर्थ में गए। वहां राजा ने अपने मन में कुष्ठ रोग के नाश का संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त हुए, तेजस्वी हो गए और बड़े हर्ष के साथ तीर्थ के जल से बाहर निकले। फिर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवरों आप लोगों के प्रसाद से ही मैं कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ हूँ, अब मैं राज्य नहीं करूँगा, इसी तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तप करूँगा। यह राज्य देश हाथी घोड़ा तथा और भी जो भी कुछ वैभव मेरे अधीन है वह सब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही कृपा पूर्वक आप लोग ग्रहण करें। ब्राह्मण बोले, नृपश्रेष्ठ हम लोग राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हैं, फिर उसे लेने से क्या लाभ हुआ, जिससे राज्य में बड़ा भारी विकल्प मच गया। पूर्व काल में जमद अग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अनुया अनानास ही बार बार इसे छीन लिया था। राजा ने कहा, विप्रवरो मैं तपस्या में स्थित होकर भी आप लोगों की रक्षा करता रहूंगा, अतः इस कार्य में आप लोगों को किसी प्रकार भी भय नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण बोले, यदि आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ता श्रद्धा हो तो इस महापुण्य में क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण करा के उसे दे दे। वह श्रेष्ठ नगर चार दीवारी और खाई से घिरा हुआ है, इससे हम वहाँ सुखपूर्वक रहें और तीर्थ स्थान किया करें। हम सब लोग सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः हमें गृह की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में एक बहुत बड़े नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी और गहरी खाई तैयार कराई गई। उस मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा ने ब्राह्मणों के पैर धोए और जो जैसी जैसी योग्यता वाले थे उन्हें वैसे ही गृह शास्त्रोक्त विधि से दान किए। राजा चमत्कार की तपस्या से संतुष्ट हुए शिव का अचलेश्वर रूप से निवास और रक्त श्रृंग पर्वत की परिक्रमा आदि का महात्म्य। सूत जी कहते हैं उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार कृत कृत हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र पौत्र तथा सेवकों को बुलाकर कहा, मैंने यह नगर बनवाकर ब्राह्मणों को निवेदन किया है, अतः तुम लोगों को मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त एवं सुखी रहें। जो राजा भक्तियुक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा वह इस भूतल पर महान तेज प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घ आयु एवं निरोग रहेगा।
इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा वह निश्चय ही नरक में पड़ेगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर हुए। तत्पर होने के पश्चात उनके पुत्र पोत आदि भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्र को राज्य और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए शंख तीर्थ में आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवादिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन मुझसे मनवांछित वर मांगो। राजा बोले, प्रभु अनेक तीर्थों का आश्रय भूत यह पुण्यतम क्षेत्र आप भगवान हटकेश्वर के महात्म्य से सब पापों को नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर मैंने श्रद्धायुक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इसे ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित किया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षदगण द्वारा सास सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, अतएव तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियाँ अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंग में विग्रह को दृढ़ से स्नान कराएगा उसका समस्त पाप सूर्योदय से अंधकार की भांति नष्ट हो जाएगा। अतः भूपाल तुम यही मेरे लिंग में स्वरूप की स्थापना करो, मैं अचल रूप से निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर स्थित अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने शीघ्रता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया और उसमें शिवलिंगों को स्थापित किया। उसके दर्शन स्पर्श ध्यान और पूजन से मनुष्य उन्मत्त से जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप से मुक्त हो जाता है। शिवलिंगों की स्थापना हो जाने पर आकाशवाणी हुई, नपुश्रेष्ठ मैं इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह की छाया सदा अचल होगी, वह केवल पुष्ट भूमि के भाग को और भाग की ओर दूसरी किसी दिशा में स्थित ना होगी। तत्पश्चात राजा ने सब दिशा में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा ही रूप से अविचल देखा। उससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम करके अपने आप को कृतार्थ माना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी ही दिखाई देती है जो सबको विस्मय में डालने वाली है। जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही होने वाली है वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म्य से संपूर्ण मनवांछित फल को पाते हैं। महर्षियों उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सब देवता संपूर्ण तीर्थ सभी मंदिर नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं वे सब उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्त श्रृंग पर्वत को उस प्रदेश में ले आते हैं उसी समय उन्होंने यह कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आवेंगे, इसलिए उस समय एक बार उसकी पर्वत की प्रदक्षिणा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहाँ जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता वह सब सूर्य और चंद्रमा के स्थित काल तक अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे गया तीर्थ फल का प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता वह उसी कामना को पाता है और जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे सब कार्य छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्त श्रृंग पर्वत के समीप की भूमि का सेवन करें। ब्राह्मणों को भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे इसके लिए तो कहना ही क्या। चमत्कारपुर में गया शीर्ष तीर्थ की महिमा, राजा विदुर के द्वारा 3 प्रेतों का उद्धार। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया शीर्ष चमत्कार में पश्चिम में नरसिंह जी का स्थान और दक्षिण तथा
उत्तर में गोकर्णेश्वर शिव है। पहले वह हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था। आगे चलकर वही संसार में सर्व पातक नाशक उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। राजा चमत्कार ने उस समय वह स्थान ब्राह्मण को दे दिया। तब से उन्हीं के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई है। उसे चमत्कारपुर कहने लगे। पूर्व काल में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक हेहवंशी राजा हो गए, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले दानपति तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे।